सावन का महीना यानी कि भगवान शिव का महीना, ये शास्त्रों में इतना ज्यादा खास और विशेष बताया गया है कि अगर इस महीने में आप कुछ खास चीजों को कर लेते हैं तो इससे संपूर्ण हर जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर सावन के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अगर गलती से भी कर लिया जाए तो इससे इतना ज्यादा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है कि सब कुछ ही बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में अचानक से ही इतना ज्यादा दुर्भाग्य आ जाता है कि एक के बाद एक चीजें बिगड़ने लग जाती हैं और उन्हें खुद भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनसे क्या गलती हो गई है। तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ही सावन के महीने में कुछ ऐसी गलतियों को कर बैठते हैं जिससे उनके पीछे दुर्भाग्य बहुत ही तेजी से लग जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही ज्यादा खास है और इन बातों के बारे में आपको जानना और समझना बेहद आवश्यक है जिससे आपसे बिल्कुल भी भूल से भी ये गलतियाँ ना हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दें जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर ली, समझो उसने सब कुछ ही प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास भगवान शिव की कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति का साथ ग्रहों को देना ही पड़ता है। सभी जितनी भी संसार में ब्रह्मांड में योनियां मौजूद हैं, वे सभी केवल भगवान शिव की ही भक्त हैं। और जैसे ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, वैसे ही सभी योनि सभी गण उस व्यक्ति की मदद करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर सावन में गलतियां हो जाएं, तो सभी ग्रह पीछे लग जाते हैं, सभी योनि पीछे लग जाती हैं, जिससे नुकसान और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज है कि इस महीने में दूध के सेवन से परहेज आपको रखना चाहिए। और अगर आप दूध का सेवन करना भी चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल ही दूध को उबाल कर ही सेवन करना है। कच्चे दूध का बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि इससे चंद्र ग्रह खराब हो जाता है और चंद्र ग्रह खराब होने की वजह से मन में बुरे ख्याल विचार और डर की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। बल्कि आप सावन के महीने में बिल्कुल भी दूध का सेवन ना करें अगर आप चाहते हैं कि आपका चंद्र ग्रह बलवान रहे, जो कि मन का कारक ग्रह है और मन ही सबसे अधिक बलवान बताया गया है, इसीलिए मन पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। अगर सावन के महीने में आप दूध का सेवन करेंगे तो इससे मन पर प्रभाव पड़ेगा और बुरे ख्याल बुरे विचार चिंताएं हमेशा सताने लगेगी, टेंशन और डिप्रेशन सताने लगेगा और कोई भी कार्य सही से हो ही नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर सावन में दही का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बैंगन का उपयोग बिल्कुल भी सावन के महीने में ना करें, क्योंकि इसे शास्त्रों में अशुद्ध बताया गया है। सावन के महीने में बैंगन का उपयोग करने से प्रयोग करने से अगर आप इसे खाते हैं तो इससे शनि ग्रह प्रभावित हो जाता है, जिससे हर कार्य बिगड़ जाता है और शनि ग्रह के दुष्परिणाम का सामना करना पड़ जाता है। और जब भी शनि ग्रह के दुष्प्रभाव शुरू होते हैं तो अचानक से ही धन हानि, मान सम्मान हानि और बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। सभी कुछ बिल्कुल अचानक से हो जाता है, इसीलिए भूल कर भी बैंगन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सावन के महीने में बुरे विचारों से बचना चाहिए और शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसी महीने में पितर सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं और आप पर नजर बनाए रखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बड़े और बुजुर्गों का गुरु का अपमान बिल्कुल भी इस महीने में ना करें। अगर सावन के महीने में इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो ये विशेषकर लाभप्रद बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप अधिक पूजा पाठ मंत्र जाप साधना वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में उठकर आकाश के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता है, तो बस इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण मंत्र ज्ञान मंत्र विज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे उसका ज्ञान दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सावन महीने में मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और ये भी ध्यान रखें कि घर में अशांति बिल्कुल भी ना फैलाएं। घर में सावन के महीने में जो कोई भी व्यक्ति लड़ता है, उसकी धन और दौलत बिल्कुल ही छिन जाती है। पितर रुष्ट होकर उस घर से ही निकल जाते हैं और फिर वापस कभी भी नहीं आते हैं। इसीलिए सावन के महीने में अशांति फैलाने वाला, घर में कलेश करने वाला व्यक्ति बिल्कुल दुर्भाग्य का सामना करता ही है। यह सावन में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो बेहद खास हैं और ध्यान रखने योग्य हैं। सावन के महीने में अधिक से अधिक मौन व्रत धारण करना चाहिए, बिल्कुल कम बोलना चाहिए, क्योंकि बस इतना करने मात्र से ही सभी ग्रहों की
सुरक्षा पाई जा सकती है, कृपा पाई जा सकती है और भगवान शिव की कृपा से तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही चलता है। तो इससे अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा मिल जाए किसी भी व्यक्ति को, तो उसके जीवन में सुख और समृद्धि आनी बिल्कुल निश्चित है। तो आप सावन के महीने में इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।